स्वागत है एक बार फिर से आपका ईटीवी नेटवर्क पर। लेकिन इस वक्त आगे बढ़ते हैं, प्रचंड बहुमत से सीधे चुनकर आए सांसदों के दम पर मोदी सरकार का मनोबल तो बहुत ऊंचा है, लेकिन संवैधानिक और संसदीय राजनीति की गणित में राज्यसभा उसके स्पीड ब्रेकर का काम बनी हुई है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं हो पाया। हर बार राज्यसभा लोकसभा पर भारी पड़ी। सरकार जो सपने जनता को दिखाकर आई है वो मार्केट इकोनॉमी की मजबूती के बिना पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए जमीन जरूरी थी, वो मिल नहीं पाई। अब टैक्स सुधार दूसरी बड़ी चुनौती है। टैक्स सुधार के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का लागू होना जरूरी है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बिल को पास कराना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब मोदी और जेटली यही काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं होने दे रही। पिछले सत्र से लेकर इस सत्र तक राज्यसभा का चेहरा काफी बदला है। 18 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है, क्या इस बार ये बिल पास हो पाएगा? इसी को लेकर आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसकी संभावनाओं से। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के, और साथ ही हिमांशु कुमार टैक्स स्पेशलिस्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी, कितनी तस्वीर बदली है राज्यसभा की कि आप इतने आश्वस्त हैं कि GST पास करा लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी NDA सरकार की अपनी इसमें नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स में काफी MPs का इजाफा हुआ है। लगभग 54 MPs राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ गए। दूसरी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट से हमें जो बातचीत हुई है, रीजनल पार्टीज से बात हुई है, अरुण जेटली जी की और भी लोगों की, वेंकैया नायडू जी की, तो उसमें बहुत अच्छा आश्वासन मिला। और सारी अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट कांग्रेस, इन सब का आश्वासन स्पष्ट रूप से मिला है कि यह GST पे कंसेंसस बिल बनती हुई दिख रही है। सभी स्टेट गवर्नमेंट रीजनल पार्टीज ने सपोर्ट दिया है। इवन लेफ्ट पार्टीज ने भी कहा है कि कांग्रेस को ऐसी क्या ऑब्जेक्शन है कि वह इस बात को GST बिल को नहीं पास करने देना चाहते, और सब लोग कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन वो लगा रहे हैं उसका कोई वैलिड रीजन लॉजिकली नहीं लगता। वह एक तरीके से ऐसी बात आती है कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, वो वाली बात है। लेकिन कांग्रेस को भी हम समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने परसों कहा है कि कांग्रेस को हम इस बिल को चाहे ब्रूट मेजोरिटी या उसके तरह नहीं पास करवाना चाहते। प्रियंका जी, मैं तो सीधे सीधे ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता ये समझना चाहती है, कांग्रेस GST के समर्थन में इस बार नजर आएगी संसद में? मैं आपको इस पे स्पष्ट जवाब भी देना चाहती हूँ। कांग्रेस हमेशा GST के फेवर में थी। ये कांग्रेस का एक सुझाया हुआ टैक्स रेफॉर्मेशन था, और रेफॉर्मेशन बिल में हमने जो जो चीजें लागू की थी पूरी देश जानती है, देश की जनता जानती है किस तरीके से 7 साल इस पे अड़ंगा डाला गया था, जिसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उन्होंने सबसे ज्यादा अड़ंगा डाला था। चलिए, अब इनकी सरकार बनी, आपने सरकार बनाई, पर आपने जो GST बिल जो जिस फॉर्म में आप पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस के बिल से बहुत परे है। हमने 3 मुद्दे सामने रखे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, जब प्रधानमंत्री ने टी पे बुलाया था, चाय पे बुलाया था, जिसमें जेटली जी भी थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी थी, सोनिया जी भी थी, वहां पर हमने अपने 3 मुद्दे उनके सामने रखे थे। इन 3 मुद्दों पर हमने कहा था कि आपको ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, क्योंकि आपने GST के काफी ऐसी जो टैक्स जो जो लगेंगे वो डाइल्यूट किए हैं, तो आम जनता पे इसका कष्ट ज्यादा ना पड़े, तो आप एक कैप लगाइए। आप देख रहे हैं किस तरीके से सर्विस टैक्स, जब से ये सरकार आई है किस तरीके से सेस लागू हो रहे हैं, सर्विस टैक्स लागू हो रहे हैं, कोई एंड है ही नहीं कि किस तरीके के सेस लागू हो सकते हैं, सर्विस टैक्स लागू हो सकते हैं, वो आम आदमी पे कष्टदायी बन रहा है। आप इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं और टैक्स पे टैक्स आम आदमी भरा चला जा रहा है। तो हमने कहा है कि इस पे एक काबू होना चाहिए, एक नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो GST के नेट में ली हैं, तो आम आदमी पे ये कष्ट ना पड़े, आप इसको इस पे एक कैप लगाइए। हमने 3 मुद्दे रखे जिसमें से एक मुद्दा ये है। हिमांशु कुमार, ये बात तो वही नजर आ रही है जहां पिछले सत्र में खत्म हुई थी। ऐसे में बीजेपी का जो भरोसा है वो क्या वाकई में संसद में बदल पाएगा बिल में? मुद्दा ये होगा कि GST के इम्पैक्ट से क्या होने वाला है। GST आना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे आने से आपको जो पूरे जो इंडिया है एक पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर बिहार में काम कर रहे हैं तो कन्याकुमारी जाने में कोई प्रॉब्लम होगी, या जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में आने में कोई प्रॉब्लम होगी।
ये एक एक पैटर्न हो जाएगा जिससे मोमेंटम बहुत आसान हो जाएगी। बट इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत दिनों से चर्चा में आ रही है, जैसे कि अगर आप और भी कंट्री का एग्जांपल है, जैसे मलेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे जीएसटी आने के इम्पैक्ट क्या हुए थे, उसको एक कहीं ना कहीं बेंचमार्क तो लेके ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी काम जब भी लॉ की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो लॉ को देख के उससे अपने आप को मॉडिफाई करके आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने भी वही किया है। ये ऑलरेडी जो हमारी अलग से जो आप डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जहाँ भी इसके इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं उसके इम्पैक्ट को हमने अभी तक एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी बातें की हैं वो बहुत ही फेवर में बात की है। मैं उसको बहुत ही आगे कि मैं भी उसकी स्वागत करता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं अभी तक डिस्कशन में नहीं आ रहा है, ना कांग्रेस बात कर रही है ना बीजेपी बात कर रही है जी। क्योंकि अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो लगभग हमारा जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो कलेक्शन है उसमें 53% जो कलेक्शन आता है सर्विस टैक्स से आता है, और अभी जो सर्विस टैक्स का रेशियो है वो 15% का है जो रेट जाता है, और जीएसटी में ये अराउंड 18% का हो जाएगा। तो ये 3% का जो इजाफा होगा वो डायरेक्टली हमारे जो कॉमन यूजर्स होंगे उनको इम्पैक्ट करेगा। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या किया गया, अभी तक इसमें कोई भी डिबेट या किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। गोपाल कृष्ण जी, आपने सुना हिमांशु कुमार को? हाँ, देखिए इसका मैं स्पष्ट जवाब दे दूं, और पहले प्रियंका जी ने भी बोला, पहली बात कि बाकी मैंने जैसे ही कहा कि जीएसटी के केवल आने से देश की जीडीपी बढ़ नहीं जाएगी, उसके साथ एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से स्टेब्लिश होगा तब जीएसटी का देश को फायदा होगा। तो आज जो 2 साल हमने लगाए हैं वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट को करने के लिए, पहले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमने पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको सैनवेट क्रेडिट अगर लेना है तो आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा ऑडिट ट्रेल चाहिए पूरी ट्रांजैक्शन का। तो जो हिमांशु जी बात कर रहे हैं, जो वित्त मंत्री जी ने भी करी है, पब्लिक डिबेट में ना आया हो लेकिन जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं वह उस पूरी इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हम लोग पूरे इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए पूरा डिस्कशन कर रहे हैं और वहां पे चल रहा है। दूसरी बात सर्विस टैक्स की बात हुई, तो जब गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी, हिमांशु कुमार ने बहुत वैलिड सवाल उठाया था कि ये 12-15% के बीच का जो गैप है, आपके बीच बात चल रही होगी, कुछ सरकार के लोगों के बीच बात चल रही होगी, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को एड्रेस करने की जरूरत है, अगर है तो उसको यहाँ करिए, आप जनता देख रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए जब जीएसटी लाएंगे तो उसमें एक्साइज और सर्विस टैक्स बराबर रेट पे आएंगे। अगर हम 18% की बात कर रहे हैं तो आज जो एक्साइज ड्यूटी हमारे यहाँ 27% के करीब है, वह कम करके उसको 18 लाना है, और जो सर्विस टैक्स है जो 15 है उसको बढ़ा के 18 लाना है, और जिसका और जो सर्विस और एक्साइज इनका आपस में क्रेडिट नहीं होता था, कि जो सर्विस इंडस्ट्री है उसको एक्साइज का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, तो उसको इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, वहां उसको बेनिफिट मिलेगा, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, जीएसटी क्या है, कंज्यूमर को कम टैक्स मिले, तो जो एक्साइज के कारण वो 27% की कॉस्ट इंक्रीज होती थी तो वह कम होके 18 आएगी, और सर्विस टैक्स के कारण जो कॉस्ट बढ़ेगी वो 3% की बढ़ेगी। बहुत से बुनियादी सवाल सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए जो प्रियंका ने उठाए थे उनका जवाब तो आपने नहीं दिया। प्रियंका, आप सुन रही हैं गोपाल कृष्ण जी को, वो उनका कहना है कि सरकार के भीतर इन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, और जो अमेंडमेंट्स की बात है वो भी हो जाएंगे बिल में, तो ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों के बीच बात जो गैप है उसको फिल कर लिया जाएगा। नहीं मीना जी, मेरी पूरी बात नहीं हुई। नहीं नहीं सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आपको संक्षेप में अपनी बात को रखना होगा। कि अभी हमने ड्राफ्ट बिल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो ऑब्जेक्शन है वह उस बिल पे बताया और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अल्टीमेटली पार्लियामेंट में डिबेट होगा तो वहां पे सारी चीजें सॉल्यूशन होंगी, वहां पे हमारे मंत्री भी जवाब देंगे और एक्सपर्ट्स भी जवाब देंगे पब्लिक डिबेट्स में। हिमांशु, मैं आपके पास आती हूँ, पब्लिक डोमेन में बिल आने से आप जो सवाल उठा रहे थे उनके जवाब क्या मिल जाते हैं, और प्रियंका आप बोलिए।
हाँ, मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ मीना जी, कि अगर हम पब्लिक डोमेन की बात करते हैं, पहले तो मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी ने जो भी आउटरीच करने की बात कही कि हाँ हम बातचीत करेंगे और जो ऑपोजिशन के मुद्दे हैं उस पर हम कई कॉमन तालमेल जो होता है वो करने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया होगा कि जो तीन बेसिक मुद्दे हैं, जो आम आदमी के हित के मुद्दे हैं, कि उन पे कोई एड्रेस किया हो, इश्यूज एड्रेस किए हो या कंसर्न्स एड्रेस किए हो। आप देखिए तमिलनाडु में भी जयललिता भी इन मुद्दों पे कह रही हैं, अरविंद सुब्रमण्यन जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को समझना जरूरी है कि ये जो मुद्दे हैं देश हित के लिए हैं, आम आदमी के हित में हैं, और उनको अगर कदम आगे बढ़ाना है जीएसटी को लेकर तो उनको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, आम आदमी को सोचकर चलना पड़ेगा, और तभी जाकर ऐसे जीएसटी बिल आएगा जो पुख्ता हो, मजबूत हो और आने वाले समय में सबके लिए ही फायदेमंद हो। हिमांशु, तो ये डिबेट अभी ऐसे ही खुली रहने वाली है और संसद सत्र में भी इसी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा इस पर? ये तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन मैं गोपाल जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो उन्होंने पॉइंट कहे मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा। पहली चीज़ कि जो गोपाल जी ने बताया कि जो 25-27% के जो एक्साइज ड्यूटी हैं वो 18% के करीब हो जाएंगे, तो मैंने ये डेटा पहले ही बताया था कि जो हमारा टोटल कलेक्शन है उसका 53% में सर्विस टैक्स से आता है, यानी कि 50% इम्पैक्ट तो मुझे इमीडिएट आ रहा है। और हम अगर ग्लोबली देखें तो जब भी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है इन्फ्लेशन 1.9 के आसपास और 2% के आसपास ऊपर गया है। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में ये चीज़ नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? ये तो जरूर एक कॉमन आदमी जानना चाहेगा कि जीएसटी आने से क्या इन्फ्लेशन हिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं बताएंगे तो पब्लिक को ये मैसेज कैसे जाएगा? अदरवाइज ये मैसेज जा रहा है कि कॉरपोरेट के लिए तो हम काम कर रहे हैं, बीजेपी और हर कोई और जो भी आप बात करें, तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसको बहुत बेनिफिट होने वाला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही अच्छा माहौल बनने वाला है। इससे जीडीपी भी हमारी इंपैक्ट होगी, हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। बट एक जो क्वेश्चन रह जा रहा है कि जो मास है जिसके लिए हर कोई बात कर रहा है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट कैसे जा रहा है और इसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं, इसको आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप हमें कह रहे क्वेश्चन रेज करने के लिए, ये तो पहले डिस्कशन में आना चाहिए था ना कि इससे इंपैक्ट क्या जा रहा है, क्या इन्फ्लेशन हिट होगा, अगर नहीं होगा तो उसके क्या मेजर लिए जाएंगे, इसको क्यों पब्लिक डोमेन में ओपन डिस्कशन के लिए नहीं दिया जा रहा? मैं ये गोपाल जी से क्वेश्चन, लेकिन गोपाल कृष्ण का तो साफ कहना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बिल आ चुका है, सुझाव दिए जा सकते हैं, जिसको जो कहना है कहें। सुझाव तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो आपने इतना बड़ा एक कमेटी बना रखी है, क्या उस कमेटी ने इस चीज़ को कहीं इस पॉइंट को नहीं, हम तो इस पॉइंट को ऑलरेडी बहुत से SHOM और जो भी आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो इस पॉइंट को उठा रहे हैं, बट इतने दिन से जो हम पूरे डिबेट कर रहे हैं, चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो क्या ये पहले डिस्कशन में नहीं आया या अब डिस्कशन में आने वाला? मेरा क्वेश्चन तो ये है, वो तो हम लोग सुझाव दे ही रहे हैं, मैंने भी ऑलरेडी उस पर कॉमेंट कर रखा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पहले से, क्या इतनी बड़ी जो टीम थी इस पॉइंट को क्या कंसीडर नहीं किया गया? अगर किया गया तो ये आगे आया क्यों नहीं जी? ये आप हमसे क्यों? गोपाल कृष्ण जी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा जो हिमांशु ने उठाया है, बहुत बुनियादी सवाल है, कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ। देखिए, जीएसटी के केवल रेट से केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, ये हम ना क्लेम कर रहे हैं ना वो किसी को समझना चाहिए। जीएसटी से अल्टीमेटली क्या होगा, एक नेशनल मार्केट बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और टैक्स रेट कम होंगे और इंटीग्रेटेड होंगे। आज एक बिजनेसमैन ऑक्ट्राय भी देता है, सर्विस टैक्स भी देता है, एक्साइज भी देता है, फिर वो अलग अलग तरह के सेल टैक्स भी देता है, तो इन सबको कंसोलिडेट करके एक चीज आएगी, तो ईज ऑफ डूइंग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका बेनिफिट है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा, करप्शन और लीकेजेस सरकार के कम होंगे तो रेवेन्यू सरकार के पास बढ़ जाएगा। तीसरी बात है, एक नेशनल मार्केट हो जाएगा तो गुड्स का ट्रांसफर इधर से उधर, आज आसाम में कोई चीज सस्ती है तो वह दिल्ली में भी उसी आसानी से बिक सकेगी। यानी तो इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या करप्शन सरकार की रेवेन्यू है, इन तीनों का केवल रेट से संबंध नहीं है, यह पूरे इकोसिस्टम से संबंध है, वह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध है। तो मेरा कहना है कि जीएसटी एक कॉन्सेप्ट है, यह केवल रेट नहीं है कि
क्या रेट पे होगा उसी से सारी चीज होगी। तो हिमांशु जी समझते हैं और भी लोग समझते हैं, जो लोग इसकी डेप्थ को समझते हैं मेरे ख्याल से वह इसीलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं, केवल रेट 18 हो जाएगा कि 20 हो जाएगा कि 16 हो जाएगा उससे सब चीजें हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। यह पूरा इकोसिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वही बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो पर्याप्त समर्थन बताया जा रहा है वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है और आप आश्वस्त हैं कि आप जीएसटी को पास करा लेंगे इस संसद सत्र में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें सारे 21 प्रदेशों ने अभी जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की मिनिस्टर्स रेवेन्यू मिनिस्टर्स की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण जी, हिमांशु कुमार, प्रियंका चतुर्वेदी, आप सबका मुझे माफी चाहूंगी, मैं कार्यक्रम को यहां पर खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जो दिख रहा है हंगामा होना है, बहस होनी है, लेकिन आश्वस्त है पर्याप्त समर्थन की वजह से बीजेपी केंद्र की सरकार, उनको लगता है जीएसटी पास हो जाएगा और अगर वाकई पास हो जाएगा तो इस देश की जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी ऐसा सरकार दावा कर रही है। टैक्सेस कम से कम एक तरह के पूरे देश में लागू होंगे। बहरहाल हमें यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस देश की खबरों का रुख करेंगे।